उठता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। मुझे लगता है जब मैं छोटा होता था तब जब मैं खिलौने वगैरह लेने जाता था या कोई गाने सुनता था तो मुझे लगता था कि अगर इस खिलौने की कंपनी का मालिक मेरे को बना दे तो मैं कितने अच्छे अच्छे खिलौने बनाऊंगा ना। तो मैं अभी भी वही बच्चा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वही चीज़ें बनाता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वाई आई यू नो एक कनेक्शन है मेरा किड्स के साथ। सो ये जब हम लोग ने गाना बनाया एंड हमने जब आपको अप्रोच किया बिकॉज वी न्यू दैट यू वर सो ग्रेट विद किड्स एंड ऑल, सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट वेंट इनटू क्रिएटिंग अ सॉन्ग लाइक दिस? मैं सच में बहुत एक्साइटेड था बिकॉज कीको एक ऐसा सुपर हीरो है जो आई थिंक हर बाहर का तो मुझे पता नहीं लेकिन इंडिया का हर बच्चा बनना चाहता है। बहुत स्मार्ट है, स्वैग है, एक गाड़ी है बहुत सही सी और घड़ी है बहुत सही और उसमें से गाड़ी निकलती है। तो आई थिंक ये मेरे भी शौक हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो और मतलब मेरे लिए आई थिंक बहुत इजी हो गया था कीको के कैरेक्टर में आना और उसके लिए गाना लिखना। एंड जो मेरे स्किल्स हैं फिर राइटिंग स्किल्स हैं, जो म्यूज़िक स्किल्स हैं, मैंने वो यूज़ किए। आई मेड श्योर कि गाना सबको अच्छा लगे। तो मेरे घर में बड़े लोग भी गा रहे हैं, मेरे सोनी के ऑफिस में भी सारे लोग गा रहे हैं क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी ईजी सॉन्ग, सबको याद हो जाता है ईजिली। एंड आई थिंक दैट्स द की बच्चों के लिए गाना बनाते हुए। राइट राइट, सो सॉन्ग इज अमेजिंग, आई लव इट टू। ऑल्सो आई ऑल्सो हैड दिस थॉट इन माई माइंड कि कीको के पास जैसे गैजेट से कोई हमारे लिए बना दे तो कितना कूल हो जाए। नहीं सीरियसली, जैसे गाड़ी, जैसे वॉच, वो नहीं हो सकता शायद, इसलिए हम लोग इतना इन्जॉय करते हैं कीको को देखना। वो यू नो वो जो जो कुड हैव बीन जो चीज़ है वो आई थिंक दैट इज वॉट एक्साइट्स अस अबाउट कीको एंड उसकी गाड़ी सुपर स्पीडो। So one thing that I want to share with you all is that कि जब भी बादशाह शूट पे आए थे और हमने जो शूट किया था तब बादशाह जब बच्चों के साथ आ गए शूट करने के लिए तब एक अलग एनर्जी हो गई थी आपकी। हाँ मैम, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए शूट का एक्सपीरियंस? बड़े लोगों के साथ तो रहते हैं बट बच्चों के साथ एक अलग मजा आता है, यू नो उनका नजरिया चीज़ों को देखने का। ये मैंने ये पहना हुआ था तो कहते ये पॉटी कलर क्यों पहना हुआ है, आप कोई ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैं मुझे फैशन लग रहा था, उनको कुछ और लग रहा था। तो एक वो नज़रिया बड़ा मज़ेदार होता है। तो बहुत ही एक मतलब आप रेगुलर चीज़ से हट के जब किसी चीज़ में बैठते हो उनका परसेप्शन, आई थिंक इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल जैसे वो दुनिया को देखते हैं, जैसे वो कीको के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। इट वॉज अमेजिंग मैन, इट्स ऑलवेज अमेजिंग। सो क्लियरली बादशाह, द किड्स वर ऑब्वियसली ह्यूज बादशाह फैन एंड दे गॉट वेंट बॉन्कर्स बादशाह के अराउंड। But Bacha was pretty much like a kid himself who was so bubbly and yeah, doing things with them and all of that. Bahut thoda sa embarrassing ho gaya tha us time. So Ronuja, just to start you off, we started this journey 2 years ago. What went around? What did we do to create and handpick this ideas to create content for? Yes, so when we started off, our idea was, our objective was to create a brand in which we would spread happiness to kids.
So that was the main agenda. And we wanted to give fresh and local content to kids. So that's why we started with 4 original shows, out of which 3 are still on air and they are doing very well on the channel. So these shows later on we made telemovies out of these shows. We have increased the episodes of these shows, and these shows are now actually the driver shows of the channel. Yes, so in the summer of 2017, we had launched the channel. In the next summer, when we were looking at another show, we thought of creating a role model for kids. The idea was to create a boy who is courageous, who is brave, who stands up to all kinds of evil. And that's how Kiko emerged. Kiko is a very powerful 7-year-old, 9-year-old boy who actually lives in a place called Sun City. And he is very brave, he is righteous, and he stands up to all different kinds of villains in the city. सारे गाने kids को पसंद आते हैं, तो ये भी कुछ ज़्यादा different नहीं था, but थोड़ा सा brief था जिसके according काम करना था, चाहे वो DJ वाले बाबू हो, चाहे अभी party शुरू हुई हो, चाहे Kiko का गाना हो, सभी बच्चों के लिए हैं, but ये थोड़ा एक brief था Kiko के character के लिए, तो उसके लिए काम किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, इनकी team बड़ी मज़ेदार है, Kiko बहुत मज़ेदार है. फिल्म्स आ रही हैं Kiko की, गाने आ रहे हैं होपफुली, बट मैं चाहता हूँ बाहर जाके खेले भी थोड़ा, और हमेशा मतलब टीवी ना देखे, बट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए. बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और हम कमरे में ऐसी चीज़ें देखें जो उनकी सेंसिबिलिटीज़ को टिकल करें. गाने को मुझे कंसेप्चुलाइज करने में 10-15 दिन लगे, और उसके बाद बनाने में आई थिंक 5 दिन लगे. गाड़ी बहुत खर्चा हो गया, और क्या बताऊँ, हो गया अब तो ले ली. हाँ यार, जिनका भी गाड़ियों का शौक है, आई थिंक उनके लिए ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी है काफ़ी, आई थिंक एक अल्टीमेट कार होती है. एंड आई थिंक भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं इस लायक हो सका कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली. और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक हैप्पी मोमेंट था. इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आ गए. जो पापा मारुति 800 चलाते थे, वही मेरी ड्रीम थी. मुझे ये था कि काश मैं गाड़ी चलानी सीखी. बचपन की बहुत यादें ताज़ा हुई यार ये काम करते हुए. बच्चों के साथ बैठना ही बहुत बहुत एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, और मुझे मौका मिला इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का. शरारती, आजकल के बच्चे बहुत शरारती, बहुत तेज़ हैं. मैं तो इतना शर्माता था, मैंने तो एक बार टॉयलेट की क्लास में कर दिया था, पूछा ही नहीं कि मैं जाऊँ बाहर. सच्ची बात है ये. आई थिंक हर किसी का अलग अलग जॉनर है, मेरा जॉनर आई थिंक ये है, तो मैं यही कोशिश है यही करूँ और ज़्यादा बना करूँ. मुझे दिख नहीं रहा है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन आइज 24 न्यूज. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, क्लिक ऑन द लाइक बटन, मस्ट डू शेयर द लिंक. Thank you.